नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। दुश्मन को हराना है तो जरूरी है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जाए। इसलिए इस समय हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस से बचाव की ही बात हो रही है। दुनिया में किसी भी लड़ाई को आज तक डरकर नहीं जीता जा सका और यही बात कोरोना वायरस के खिलाफ भी लागू होती है। हम डरकर इसे हरा नहीं सकते। हमारी जंग किसी संक्रामक बीमारी से हो या किसी आर्मी से, जब तक सभी एक दिशा में साथ मेहनत नहीं करते, लड़ाई मुश्किल होती है। कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग को हमारा देश मात दे पाए, इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन है। क्या है दुनिया, देश और प्रदेश के हालात, हम इस बुलेटिन में सब कुछ जानेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक वेबसाइट है www.visualizer.com। इसके अंदर पूरा एक मैप, एक वर्ल्ड का ग्लोब है जिसमें आप जहां हाथ लगाते हैं, जिस देश को आप छूते हैं, आपको पता चल जाता है कि वहां पर कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। अभी मैं आपको अपने मोबाइल में देख के बता रही हूं कि लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में 4,39,944 कोरोना पॉजिटिव इस समय एक्टिव हैं। वहीं बात करें मौतों की, तो अभी तक पूरी दुनिया में 27,417 लोगों की इस कोरोना से वायरस से मौत हो चुकी है। लेकिन राहत भरी खबर भी है, कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो रहे हैं, उनका आंकड़ा भी बहुत अच्छा है। वो बात करें तो 1,33,426 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। क्या है ये ऐप, कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम में, जहां से हमारे संवाददाता लोकेश जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या है ये वेबसाइट, क्या है ऐप, कैसे काम करता है ये? साइट है जो ऑल और जो पूरे विश्व के जो डाटा यहाँ पे जो इसमें दर्शाए गए हैं, पूरे विश्व के जो जहाँ जहाँ कोरोना के संक्रमित जो केस मिल रहे हैं, वहाँ के पूरे मॉनिटरिंग यहाँ इस ऐप के जरिए की जा रही है। जिस तरह से हम जो दिखाना चाहेंगे कि जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार इस ऐप के जरिए पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो पूरे देश में और देश के साथ साथ में पूरे विश्व में जो कोरोना के आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं। बात करें जिस तरह से जो आप तस्वीर देख सकते हो, जो डेस्कटॉप पे देख सकते हो, किस तरह से जो इंडिया के जो आंकड़े हैं, ताज़ा आंकड़े 902 बताए जा रहे हैं इसमें। वहीं जो 799 जो एक्टिव केसेज इसमें बताए जा रहे हैं, 20 की डेथ हो चुकी है। वहीं जो 83 जो केसेज है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, यानी कि वो जो 83 जो मामले आए थे वो ठीक हो चुके हैं। इसके बाद अपन बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में सबसे अधिक जो अभी आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं, और उसमें अब तक जो जो आंकड़े आए हैं वो है 1,04,256 आंकड़े। वो एक जो बड़ा आंकड़ा जो तत्काल रूप से वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक वेबसाइट के जरिए सभी जो दर्शक के लिए पूरे देश दुनिया में आराम से देखा जा सकता है कहाँ कितने केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें अमेरिका में बात करें जो एक्टिव केसेस की, तो 1,00,000 से अधिक जो एक्टिव केस हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। 1,704 जो मौत है वो यहाँ पे इनकी इसमें बताई गई है। साथ ही बात करें जो रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड जो हो चुके हैं वो 2,525 जो केस हैं वो इनके ठीक हो चुके हैं। इसी तरह अगर बात करें इटली में जो दूसरे नंबर पे इटली चल रही है, उसको लेकर भी इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। उसको जर्मनी में जिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, जर्मनी में जो आंकड़े हैं वो 50,000 से ऊपर पहुँच चुके हैं, और उसी की तरह इटली में भी आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूके के जो आंकड़े हैं वो इसमें बताए दे सकते हैं कि 14,000 से अधिक जो आंकड़े हैं वो यहाँ बताए गए हैं, और इटली और उसी के साथ में स्पेन में भी आंकड़ों की संख्या है वो अधिक हुई। इटली के जो आंकड़े हैं वो देख सकते हैं आप, जो ग्लोब के जरिए यहाँ पर इसमें पूरा दिखाया गया है, और जो इटली में अब तक जो आंकड़े आए हैं वो 86,498 जो टोटल जो डाटा है वो बताए गए हैं। इसमें एक्टिव केसेज की बात करें तो 66,414 एक्टिव केस हैं, और वहीं 2,133 की इसमें डेथ बताई गई है, और इसी तरह 10,950 जो आंकड़े हैं वो ठीक हो चुके हैं। इसी तरह अपन बात करें स्पेन की, स्पेन में भी जो सबसे अधिक जो मौतों का आंकड़ा है वो अधिक रहा है, और साथ ही जो पॉजिटिव केसेज हैं वो भी बड़ी संख्या में सामने आए हैं, और वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 65,719 जो केसेज हैं वो अब तक इनके सामने आए हैं, और उसमें 51,224 जो एक्टिव केस है वो अभी है। वहीं 5,138 जो यहाँ पर मौतें बताई गई। इसी तरह हम बात करें चाइना की, तो चाइना में
जो एक्टिव केस हैं वो अभी बताए जा रहे हैं 3128, यानी 3128 31 जो जो केसेज हैं वो यहाँ पे सामने आए हैं। वहीं बात करें सबसे जो अधिक जो हालांकि आंकड़े अब अमेरिका के हो गए हैं, जो चाइना में शुरुआती जो दौर इस कोरोना वायरस का शुरू हुआ उस दौरान लगातार आंकड़े सामने आए थे, और जो आंकड़े टोटल अब तक 81,394 जो केसेज हैं वो चाइना में सामने आए हैं। बात करें भारत के जो पड़ोसी देश की पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी अब तक 1,373 मामले हैं वो सामने आए हैं, और उसमें भी बात करें तो 1,339 है वो एक्टिव केसेज हैं, 11 की जो मौतें इसमें बताई जा रही है। इसी तरह से इनके पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये कोरोना वायरस का इनकी आतंक चल रहा है उन सब चीज़ों उन सभी देशों के जो डाटाज है यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ताकि आम जनता को, पूरे देश की जनता को और पूरे विश्व के इनके लोगों को इस कोरोना वायरस की जो गंभीर जो धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। बहुत अच्छी एक वेबसाइट है और ऐप है जिसके माध्यम से आप घर बैठे, क्योंकि घर से बाहर तो आपको निकलना नहीं है, घर में रहना है, लेकिन आप अपडेट होते रहना चाहते हैं तो इस ऐप को, इस वेबसाइट को देखते रहें, डरने के लिए नहीं लेकिन अपने आप को समझाने के लिए कि हम घर में क्यों बैठे हैं, हमें घर में क्यों बैठना है,